श्री गणेशाय नमः, सर्व गुरुभ्यो नमः। अभी हम लोग जो है कल 10वें श्लोक तक आए थे सूर्य सिद्धांत के। सूर्य सिद्धांत हम लोग पढ़ना चालू कर दिए, तो 10वां श्लोक था। अभी 11वां श्लोक लेते। प्राणादि ही कथितो मूर्तेर सृष्टयाद्यो अमूर्त सन्यक षड्भि प्राणैर्विनाडी स्यात् षष्ट्यानाडिका स्मृता। इसकी संस्कृत टीका है नीचे, किसने की है मालूम नहीं है, लेकिन शायद रंगनाथ स्वामी ने की। और इसके बाद की जो टीका है ये पंडित मिश्र जी ने हिंदी में करी है। और रंगनाथ स्वामी की टीका सुनते। प्राणास्वस्थ सुखासीनस्य श्वासोश्वासांतरवती कालो दश गुरुवक्षराचार्य माण आदिर्यस्य तादृशः प्राणांतर्गतो मूर्तः काल उक्तः त्रुटिराध्यायस्य तादृशः काल एक प्राणांतर्गत त्रुटित परादिको अमूर्तसंज्ञः अथा मूर्तस्य मूर्ता द्विभूतस्य व्यवहारो व्यवहारयोग्यत्वेन प्रधानतया नान्तरेदित्यष्ट भेद प्रतिपादनम् उपेक्ष मूर्तकालस्य व्यवहार योग्यत्वेन प्रधानतया प्रथमादि दिष्ट भेदान विवक्षुः प्रथमं पल घटाबाह्य षडभिरति षट प्रमाणेर सुभिः पानीय पलं भवति पलानां पट्या घटिकोक्त काल तत्वज्ञैः। अभी हिंदी भाषा में टीका है, ये सुनिए। प्राणादि मूर्त काल है, त्रुट्यादि की अमूर्त संज्ञा है, छह प्राण की एक विनाड़ी है पल है, और 60 पल की एक नाड़ी दंड होता है। यह मुझे कुछ टीका इनकी हिंदी में मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। जो रंगनाथ स्वामी जी ने जी दी जो दी हुई है संस्कृत के अंदर में, उसको समझते पहले। रंगनाथ स्वामी बोलते हैं, प्राणाः स्वस्थ सुखासीनस्य श्वासोश्वासांतर्वती कालो दश गुरुवक्षरीयोच्चार्य माण आदिर्यस्तेषादृशः प्राणांतर्गतो मूर्तः काल उक्तः। इसका मतलब क्या है कि जो हम प्राण जो प्राण है प्राण प्राण यानी क्या है कि हम जब सुखासीन बैठे रहते हैं, सुख में बैठे, शांति से बैठे, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, और हम जो सांस लेते हैं तो सांस के अंदर में जो जाता है उसे प्राण बोलते हैं। तो अंतर बाह्य जाने वाला जो श्वास है, अंदर आता है बाहर जाता है, उसे श्वास बोल श्वासोश्वास बोलते हैं। श्वासोश्वास करने के लिए जो काल लगता है एक श्वासोश्वास के लिए, वो कितना है? तो वो इतना है कि 10 गुरु अक्षर बोलने जितना है। 10 गुरु अक्षर यानी क्या है कि अगर एक कोई इंसान ओम ओम बोल दे, गुरु अक्षर तो ओम है, ओंकार, तो ओम ओम अगर बोल दे तो आप बोलोगे ओम तो 3 अक्षर हो गए भाई, या एक ही अक्षर हो गया, आप 10 कहां से बोल रहे? तो बोलो ओम यानी एक्चुअली क्या है कि अ उ म ऊर्ध्व शून्य अधो शून्य, ऐसे मिलके 5। ओम ओम 2 बार बोल दिया तो ओम ओम ऐसा, ओ ओम ऐसा, ये 1 सेकंड भी हुआ क्या? 1 मिनट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये जो है इसे बोलते हैं काल, इसे बोलते हैं मूर्त काल। ये जो है ये समझ में आया आपको कि ये हमने क्रिया की, इसके अंदर में प्राण अंदर गया, इसको जो काल लगा उसको बोलते हैं मूर्त काल, यानी कि दिखाई देने वाला मूर्ति के समान मूर्त काल। तो दूसरा है त्रुटिराध्यायस्य तादृशः काल एक प्राणांतर्गत त्रुटितपरादिको अमूर्त संज्ञः। तो सिर्फ भेद के लिए इसके अंदर और एक काल है जिसको बोलते हैं कि त्रुटिर काल या त्रुटित, ऐसा बोलते हैं। त्रुटित यानी क्या है कि ओम अंदर लिया, तो अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी ने उसको कैप्चर किया ऑक्सीजन को अंदर लेके, तो वो जो टाइम है कैप्चर करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकला उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं त्रुटित काल। ये व्यक्त है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ये अव्यक्त है। जब नाक से बाहर निकला और नाक के अंदर गया तब हमको मालूम है, अंदर का तो मालूम नहीं है, इसलिए इसे अमूर्त काल बोलते हैं। तो काल के 2 भेद हो गए, पहले काल को समझो, काल मूर्त काल अमूर्त काल। काल यानी क्या? टाइम। व्हाट इज टाइम? अपनी बॉडी के अंदर में जब सांस अंदर गई हो गया टाइम चालू, सांस बाहर निकली टाइम खत्म हो गया।
सांस अंदर की टाइम चल हुआ, सांस बाहर निकली टाइम होता। हम हर सेकंड में, हर सांस में मरते भी है, हर सांस में जीते भी है, इतना याद रखो। ये भी समझो, ये समझा रहे है? इसको मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ कि हर सांस में हम, एवरी मोमेंट वी आर डाइंग, एवरी मोमेंट वी आर लिविंग, वी आर कमिंग टू लाइफ। वेन वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इन साइड अवर नॉस्ट्रिल, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, एंड वेन वी आर इजेक्टिंग इट आउट, when we are taking it in, we are living, we are having one birth. When we are taking it out, we are dying. This is our one death. We are constantly living and constantly dying. But in between, some part of the oxygen that we have consumed, it has to be converted by the body. It has to get mixed into blood. The time taken for that, it is called as a hidden time. The time we know is the when oxygen comes out and oxygen is taken in by the nostrils. That time we call it as known time, and the second one is a hidden time or unknown time. Okay, so time has a two different categories. One is a known time, other one is a hidden time. Yani kal ke do prabhat bhed girae. ये भेद सिर्फ मानने के भेद है, एक्चुअली इसमें कोई भेद है नहीं। इट इज फॉर अवर अवर यूज, वी हैव डिफरेंशिएटेड टाइम इन दिस टू कैटेगरीज। एक्चुअली देयर इज ओनली वन टाइम। ओके, सो वो बता रहे कि जो अंदर में जाता है उसको त्रुटि बोलते हैं, त्रुटि राधि बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं उसको, जो अंदर में हमने, अंदर में जो वक्त गया प्राण का, उसे त्रुटिर बोलते हैं। वट एवर टाइम दैट इज इन साइड, इट इज कॉल्ड एज त्रुटिर। वट एवर टाइम दैट इज नोन, इट इज कॉल्ड एज मूर्त, मीन्स नोन, और आइडल, आइडल वर्शिपिंग आइडल, आइडल आइडल टाइम दैट वी नो दैट दिस टाइप ऑफ फैशन इट इज। बट वट इज इन साइड, इट इज कॉल्ड एज अननोन टाइम, और इट इज we call say we can say that we can say that it is unknown time simply. Okay, so आगे बोलते हैं, अथा मूर्तस्य मूर्तो दि भूतस्य व्यवहारो व्यवहार योग्यत्वेन प्रधानते। तो ये बोल क्या रहे हैं कि ये जो भेद जो है ये सिर्फ व्यवहार के लिए बना है, कि आपको समझ में आए, व्यवहार व्यवहार हो जाए। ये जो अभी जो व्यवहार क्या चल रहा है कि ये इनको समझा रहे हैं, मायासुर को, जो कि जड़ बुद्धि है, इनको काल गणना समझा रहे, वो जड़ बुद्धि है, अभी इनको समझ में आए इसलिए काल को बता रहे डिफरेंशिएट करके। सो व्हाट हियर इज हैपनिंग इज द सन हैज क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम सन एंड हु हैज बीन गिवन ऑल द नॉलेज अबाउट द टाइम एंड टाइम सिस्टम एंड सन इज टेलिंग टू द डीमन Demon King, Mayasur, the king of Maya Empire. So it is a sort of a business. He is telling and he is receiving, but his knowledge is very low. So for his convenience, he has means the time person or the person of the time who has been created by Sun itself, Sun God or Sun God Vivaswan itself. He has broken the time cycle for his understanding, means Mayasur's understanding. So अभी आगे जाते हैं, तो बता रहे कि प्रथमोदिष्ट भेदान विवक्षु प्रथम पल घटा बाह्य षड्भिरिति। तो ये बता रहे कि जो आप प्राण लेते हैं, इसके छह भाग है, प्राण के छह भाग है। तो ये जो छह भाग है इसमें जो है कि ये बोलते हैं कि षट प्रमाणेर सुभिः पानीय पलम भवति पलानां पट्या घटिकोक्ता काल तत्वज्ञाः। तो छह भाग है, तो ये जो छह भाग है ये कौन से पहले प्राण के छह भाग कौन से है? तो प्राण के ही हम प्रभाग मानते हैं, प्राण के अंदर में प्राण अपान व्यान उदान समान पांच हो गए, छठा किधर है? तो छठा जो है अमूर्त है, उसे बोलते हैं त्रुटिर और त्रुटिरादित्य, त्रुटिरादि
ऐसा बोलते हैं उसको, जो इनसाइड है, अंदर है, यानी कि इंग्लिश में बताता हूँ अभी कुछ इंग्लिश भी लोग सुनते हैं, उनको आधा अधूरा समझता है तो वो कुछ अलग ही मीनिंग निकाल देते हैं, इसलिए उनको थोड़ा इंग्लिश में भी बताता हूँ। सो व्हाट दिस मैन इज टेलिंग दैट द पर्सन, टाइम पर्सन इज टेलिंग टू मायासु इज दैट द योर प्राण मीन्स द ऑक्सीजन यू आर टेकिंग इनसाइड हैज टोटल सिक्स कैटेगरी, सिक्स डिफरेंशिएशंस। व्हाट आर दिस सिक्स डिफरेंशिएशंस? प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान एंड व्यान, दीज आर द सिक्स कैटेगरीज, बट दीज आर, आई हैव काउंटेड ओनली फाइव, वेयर इज द सिक्स? द सिक्स इज इनसाइड। यू सी, यू नो द मॉडेम, व्हेन देयर इज अ मॉडेम, इट्स अ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, देयर आर टू पार्ट्स, वन इज अ मॉड्यूलेटर, अनदर वन इज अ डीमॉड्यूलेटर। वंस यू सेंड द सिग्नल एंड वन इज अ रिसीविंग द सिग्नल, ओके? सो इन बिटवीन इट इज गोइंग टू थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, OSIS, reference module, so it goes by that and it is received, the data is received. The same way oxygen is our data, so same way the receiver is there inside, so this receiver receives some part of the data, means the oxygen is some part of the, oxygen is received and it is consumed and it is kept, it is captured and it is running our body. And the rest of the five are coming and going out. So that's why there are total six. But out of six, we are measuring only five. We can understand only five. The sixth is unknown. The time, the lag, it has been taken inside the module, inside our body, inside our system of oxygen intake and carbon dioxide going out. That lag, that time is unknown. that we are counting as trutir or trutira, or they have given the name as trutira. Who has given? The god has given, the sun god. So what he is telling, अभी वो क्या बता रहे कि प्राणादि मूर्त काल है, प्राण जो है वो समझ में आते हैं, और त्रुट्यादि अमूर्त संज्ञा है, ये अमूर्त है, इसको समझ नहीं सकते। छह प्राण की एक विनाड़ी होती है, यानी एक पल होता है। अभी अभी आप नोट डाउन करो, छह प्राण यानी कौन से? प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, इदान, प्राण, अपान, इदान, समान, व्यान और त्रुटिर, इन सबकी मिलके क्या बनता है? एक पल बनता है। हमारा अभी टाइम काउंटिंग चलोगी, इसका बनता है एक पल, इसको बोलते हैं पल। तो ये छह प्राण का एक पल बनता है, एक पल का एक विनाड़ी बनता है, विनाड़ी बनता है, ओके? ऐसे 60 पल का, यानी कि 10 विनाड़ी का एक नाड़ी बनता है, एक नाड़ी का एक दंड बनता है, और 60 नाड़ी का एक घंटा, घंटी बनता है, घंटा नहीं घंटी बनता है, घंटी, 60 नाड़ी का एक घंटी बनता है। तो अभी आप समझो हमारा टाइम काउंट कितना है। हमारा टाइम काउंट हमारे सांस पर है, हमारे सांस लेने की जो टाइमिंग है ना उसके ऊपर है हमारा टाइम काउंट। ऐसा किसी ने एब्रप्टली डिसाइड कर दिया कि इसको एक सेकंड बोलेंगे, इसको एक मिनट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जो फॉरेन का जो टाइम काउंटिंग है ना, दैट टाइम काउंटिंग इज रॉन्ग टोटली। सिमिलरली उनका ग्रेगरियन कैलेंडर तो पूरा कचरा है। इंग्लिश में समझाता हूं, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, ओके? सो व्हाट दे आर टेलिंग इज सिक्स प्राणास आर द, फाइव प्राणास आर द मूर्त मीन्स नोन, एंड त्रुट्यादि, त्रुट्या जो है, त्रुट्या इज द अननोन टाइम, ओके? सो टोटल सिक्स प्राणा
इज इक्वल टू वन पल, सिक्स प्राणा इज इक्वल टू वन पल, वन पल इज इक्वल टू वी नाड़ी, वी नाड़ी, वन पल इज इक्वल टू वी नाड़ी, 60 पल इज इक्वल टू 10 वी नाड़ी इज इक्वल टू वन नाड़ी, 60 पल इज इक्वल टू 10 वी नाड़ी इज इक्वल टू वन नाड़ी, वन नाड़ी इज इक्वल टू वन दंड, वन नाड़ी इज इक्वल टू वन दंड, 60 नाड़ी इज इक्वल टू वन घंटी, 60 नाड़ी इज इक्वल टू वन घंटी, इट इज नियर अबाउट वन सेकेंड, 60 नाड़ी, ओके, इट इज नॉट वन मिनट और मे बी समबडी हैज टू काउंट हाउ मच टाइम इट टेक्स. So in India or before all this Gregorian calendar and Western time counting etc. and Indian time counting also. Before that, in last Satyuga, Mr. Mayasur, the king of Maya Empire, Mayasur, he had a discussion. He did a great penance. And Lord Sun told him everything about counting time, how to count time, how the what is the story behind all these stars and planets etc. how they work etc. Everything he has given. The base of everything is mathematics. The base is mathematics, so it is dealing with mathematics. It's a very boring topic, but now if you count that they are, means we are also operating on this same principle in our calendars that we call as Panchang, five elements calendar. This is not a single element calendar, this is a Panchang. There are different five elements. So in the Panchanga or Panchangam, we are considering this type of counting. So our counting is based on time taken by a single person to our base of time counting is time taken by a single person to breathe and inhale and exit the breath. That time, that much time we are counting it, and then we are adding everything. Means we are counting the best time is our breathing time. Breathing time is our best time. We haven't considered any such kind of a thing like a second or anything, but we are considering it as a prana, pala, vinadi, nadi and ghanti. This is our fashion of counting. So our counting is more accurate than Gregorian calendar. Even I will explain how the Gregorian calendar is also wrong. It is not correct. So we will go one by one to all these aspects. Okay. So let's go ahead. So next shloka. अगला श्लोक पढ़ते हैं. नारिषष्ठ नक्षत्रम अहोरात्र प्रकृतिदम तत्रिशता तत्रिंशता भविन्मासः सावनोर्कोदयेत्स्तथा. तो इसको संस्कृत में रंगनाथ स्वामी बताते हैं, घटिनाम षष्ठ अहोरात्रम नक्षत्रम नक्षत्रम युक्तम तुकाराद अहोरात्रस्य नक्षत्रोत्युक्तो तद्घट्या अपि नक्षत्र युक्तम एतत् षष्ठी घटी भीर भर चक्र परिवर्तनात् नक्षत्र दिनानां त्रिशं संख्यायां मासो नक्षत्राः मासानां अनेकत्वेन सावन मास स्वरूपमः सावन इति तथा त्रिंशद् अहोरात्रैः सूर्योदय स्तंभकैः संबंधैस्तद वर्धिकैः
सूर्योदयादि सूर्योदयांत काल रूपे रूप को अहोरात्रम मान मापितैरित्यर्थ सावनो मासः। अभी हिंदी में टीका बताते, नाड़ी की नक्षत्रिक अहोरात्र दिन रात्र 30 अहोरात्र का एक मास महीना होता है। सूर्योदय से लेकर फिर सूर्य के उदय होने तक सावन दिन होता है। अभी ये भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसको मैं पूरा आपको समझाता हूँ। ये क्या है, ये हिंदी टीका इतनी बकवास करी है, यह है तो बरोबर लेकिन क्या है कि समझने वाले को समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्या करना पड़ता है कि संस्कृत में जो रंगनाथ स्वामी जी का जो टीका है उसको पहले समझना पड़ता है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से, और फिर आपको बताना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल वाला धंधा है, ये बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा भाई। इतना बढ़िया ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ, ये गणित कहाँ आपको मिलेगा। तो चालू करते हैं। घटिनाम षष्ठ अहोरात्रम नक्षत्रम युक्तम। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे 60 नक्षत्र युक्त बीतने के बाद एक अहोरात्र बीत जाती है। नक्षत्र युक्त यानी क्या है कि जब एक नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र यानी क्या है, 27 नक्षत्र है टोटल, 27 नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्रों के यहाँ पे चंद्रमा किसी एक नक्षत्र में होता है, हर रोज एक नक्षत्र के सामने होता है। सूरज को एक नक्षत्र में जाने से एक महीना बनता है, सूरज का अलग अलग नक्षत्र में जाने से महीना बदलता है, लेकिन चंद्रमा तो हर रोज एक नक्षत्र में होता है, हर रोज एक नक्षत्र होता है। इसलिए अगर आप पंचांग में जाएंगे तो हर रोज नया नक्षत्र होता है, आज का जो नक्षत्र होगा कल नहीं होगा। तो जैसे ही ये घटी, घटी यानी क्या कि 60 नाड़ी एक घटी, अब ये दिमाग में पक्का करो, 60 नाड़ी यानी एक घटी, एक नाड़ी यानी एक दंड, एक नाड़ी यानी 60 पल, एक पल यानी 6 प्राण, 6 प्राण यानी कि कितने, एक नाड़ी एक घटी यानी कितना हुआ, 6 प्राण यानी कि 60 पल हुए, सॉरी 6 प्राण यानी कि एक बिनाड़ी हुई, यानी कि एक पल हुआ, बिनाड़ी यानी पल एक ही है, बिनाड़ी पल एक ही है, 6 प्राण यानी एक बिनाड़ी हुई, एक विनाड़ी जैसे 60 पल हो गए तो एक नाड़ी हुई, यानी सही सही 36, 360 प्राण हुए तो एक नाड़ी हुई। 60 नाड़ी यानी एक घंटी है, यानी 60 गुणिले 360, एक मिनट करते हैं, 60 गुणिले 360 ये हो गए 21,600 पल यानी एक घंटी हुई। कितना हुआ अभी सुनो, 21,600 पल यानी एक घंटी हुई। एक पल यानी एक सांस लेना, यानी आज इसके बारे में गोरक्षनाथ जी ने एक बहुत बढ़िया बताया था। एक शिष्य गोरक्षनाथ जी के पास आए और बोले कि भगवान शिवजी हमें एक बात बताइए कि हमें कितना जाप करना चाहिए। तो गोरखनाथ जी ने इसके बारे में श्लोक भी लिखा है, गोरख संहिता के अंदर में श्लोक भी है, मैं कभी वो उसको ढूंढ के आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या बोला गोरखनाथ ने कि आपको हर सांस पे मंत्र लेना है, हर सांस पे एक मंत्र बोलना है। तो पूरा दिन में अगर आप काउंट करोगे ना 24 घंटे में, तो 21,600 सेकंड्स होते हैं, 21,600 सेकंड्स होते हैं। तो ये घंटी हुई क्या, यानी कि 24 घंटे यानी एक घंटी हो गई क्या, समझो अपना टाइम काउंटिंग को, समझो अपना टाइम काउंटिंग इससे बहुत लोअर में जाता है, बहुत लोअर में जाता है अपना टाइम काउंटिंग। एक सेकंड से भी हम लोअर में, सेकंड के भी बहुत नीचे से काउंट करते हैं हम। ओके, तो ये क्या है कि ये क्या बता रहे कि अभी जो बता रहे कि ऐसे 60 नक्षत्र युक्त बीतने के बाद में एक अहोरात्र बीत जाती है, यानी कि 60 नाड़ी एक घंटी षष्ठ अहोरात्र, यानी घंटी के 60 घंटी बीत जाने के बाद में एक नक्षत्र के अंदर 60 घंटी बीत जाने के बाद में एक दिन का अहोरात्र हो जाता है, यानी कि 21,600 पल, 21,600 श्वास उश्वास, यानी एक घंटी गुणिले 60, इतना टाइम बीत जाने के बाद में एक दिन और एक रात
बीत जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ययुग का दिन कितना बड़ा था, आज 21,600 में पूरा दिन खत्म हो जाता है। 21,600 में पूरा दिन खत्म हो जाता है। अभी आपको आप सेकंड्स में अगर गिनेंगे तो 21,600 में पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो ऐसा समझे क्या हम कि आज का दिन का जो टाइमिंग है दिन रात का वो कम है सत्ययुग से? एग्जैक्टली वैसा ही है। सत्ययुग का दिन बहुत बड़ा था और रात भी बहुत बड़ी थी, और कलयुग का दिन बहुत ही छोटा है और रात भी बहुत ही छोटी है। ठीक है, आगे जाते हैं। तुकारात अहोरात्रस्य नक्षत्रत्युक्त घट्या अपि नक्षत्र नक्षत्रत्वं युक्तम। तो ये क्या बता रहे हैं कि इस तरीके की अहोरात्र बीत जाने के बाद में उस नक्षत्र के अंदर में इस तरीके की अहोरात्र बीत जाने के बाद में अहोरात्र बीत जाने के बाद में उस तरीके की क्या होता है कि एक नक्षत्र युक्त खत्म हो जाता है, यानी कि एक नक्षत्र युक्त घंटी बीत जाती है। तो आगे बताते हैं कि एतत् षष्ठी घटी भीर भचक्र परिवर्तनात् नक्षत्र दिनानां त्रिंशत संख्या मासो नक्षत्र। अभी ये त्रिंशत यानी 300 नहीं है, ये त्रिंशत है। त्रिंश यानी 30, त्रिंशत संख्या यानी 30 संख्या मास नक्षत्र मास बीत जाता है। अभी ये क्या बता रहा है कि ऐसे 60 नक्षत्र घटी का एक चक्र होता है, उस चक्र के अंदर में एक दिन और एक रात हो जाती है, ओके, जो कि दिन रात है। ऐसे 30 अहोरात्र बीतने के बाद में एक मास होता है। तो आगे वो बताते मनेकत्वेन सावन मास स्वरूप माह सावन इति। तो ऐसा इस तरीके से एक मास बीत जाता है, दिन रात हो जाने के 30 दिन के बाद में एक महीना हो जाता है। तथा त्रिंशत अहोरात्र ही सूर्योदय संबंध ही तदवधिक ही। तो ऐसा बोलते हैं कि इसे सावन महीना बोलते हैं। ये सावन वो सावन नहीं है, हिंदी वाला सावन, ये महीने को सावन महीना बोलते हैं। जो महीने में 30 दिन होते हैं उसे सावन महीना बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सूर्य भगवान। हर महीने को सावन महीना ही बोलते हैं, ऐसा नाम नहीं है। उन्होंने हर महीने का सावन नाम ही रखा है, सावन ही नाम रखा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इसे सावन महीना बोलते हैं। तथा सूर्योदय के संबंध में 30 अहोरात्र लगते हैं, यानी कि 30 अहोरात्र सूर्योदय। अभी आपको समझ में आएगा कि ये किस चीज की बात चल रही है। अभी आप समझो, सत्ययुग के अंदर में जो सत्ययुग था उनके यहां पे, तो 30 अहोरात्र का एक महीना होता था पूरा प्रकाश। 30 अहोरात्र का एक महीना पूरा प्रकाश और 30 अहोरात्र का एक महीना पूरा अंधेरा। आप समझे क्या? अभी अभी उनका महीना तो अभी हमने काउंट किया, 21,600 × 60 इतना उनका दिन, तो ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 30 इतना उनका एक महीना था। एक महीना था इनका 21,600 × 60 × 30 इतना था। तो ये अहोरात्र बीत जाने के बाद में सूर्योदय सूर्यास्त होता है, ऐसा उन्होंने रखा है। कि इसलिए सत्ययुग में क्या बोला जाता था कि सत्ययुग में जब खेती सुबह लगाते थे तो शाम को फसल काट के लाते थे, जो सत्ययुग का वर्णन है वो, और फसल भर देते थे। कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं लगता था, फसल खराब भी नहीं होती थी। एक दिन के अंदर में लगाए, एक दिन की सुबह लगाए, शाम को निकल आया माल, पूरा घर भर गया। तो इतना खेती में इतना माल रहता था कि काम करने वाले जो है ना उनको भी लोग फ्री में दे जा बाबा, तो 50 बोरी ले जा फ्री में, कल वापस आने वाली है। तो सत्ययुग में चोरी कौन करेगा? अगर आपको इतना धान्य इतना फ्री में ही मिल रहा है, आपने जो बोया सुबह बोया शाम को काटा, क्योंकि दिन ही इतना बड़ा है,
अभी अगर आप धान लगाते, यानी कि अभी अगर आप चावल लगाते तो तकरीबन 4 महीना जाता है आपको, यानी चावल लगाओगे एक जगह से उठा के दूसरे में लगाओगे, क्योंकि वो ब्राह्मण है, एक जगह से उठाना पड़ता है दूसरे में डालना पड़ता है उसको, तभी जाके उसका जन्म होता है ऐसा माना जाता है। इसलिए चावल को यूज करते ज्यादा, 2 बार उसका जन्म होता है, इसलिए एक बार लगाते हैं फिर उठा के दूसरी जगह लगाते हैं। तो चावल जो है उसको आने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीना भी आ जाएगा वो उसमें चावल पकड़ने के लिए, 1 महीना तो लगेगा। लेकिन 1 महीने जितना अपने 1 महीने जैसा तो इनका 1 दिन है सत्ययुग में, तो चावल बोया तो सुबह बोया तो शाम को फसल तो आ जाएगी ना, काट के लेके जाएगा, दूसरे दिन सुखाने रख देगा, तीसरे दिन तो दूसरे दिन ही माल निकल जाएगा सड़ा के, क्योंकि दिन भी इतना बड़ा है, सूरज तो हमेशा है, तो उनके आधे घंटे में सब सूख जाएगा लगाया हुआ, तो समझे। तो ये सत्ययुग की बात चल रही है। तो इस तरीके से अहोरात्र को बताया है। तो आगे जो वो बताते हैं कि सूर्योदयांत काल रूप का अहोरात्र मानमा पितरित्यर्थ सावन मासः। तो ये बताते हैं इस तरीके से काल का, काल रूप का जो सावन मास होता है अहोरात्र, उसके अंदर में सूर्योदय से सूर्यास्त और उसके उल्टा सूर्यास्त से सूर्योदय का ये काल गणना है। अभी चलो आगे चलते हैं, 13वां श्लोक लेते हैं। अथ चांद्र सौर मास निरूपण पूर्वकम वर्षव दिव्यम दिनमाह। अभी क्या बता रहे कि आप इस तरीके से हम चांद्र और सौर मास का निरूपण करते हैं और दिव्य वर्ष के बारे में, उसके दिन माह के बारे में बता दें। दिव्य वर्ष यानी क्या होता है, वो देवताओं का 1 साल होता है, इसे बोलते हैं दिव्य वर्ष, देवताओं का 1 साल। एतन देव स्थिति विस्तद वत् संक्रांत्या सौर उच्यते मासे द्वादश भीर्वर्ष दिव्यम तदरहुच्यते। तो इसको संस्कृत में संस्कृत टीका तद्वत् त्रिंशता, ये त्रिंश है, त्रिंश अता है, त्रिंशता नहीं है, यानी 300 नहीं है। तद्वत् त्रिंशता तिथिमिश्चांद्रो मासस्तत्र दर्शन दर्शनत्वावधिकः पूर्णिमान्तावधिकश्च शास्त्रे मुखतया प्रतिपादिताः। अत्र शास्त्रे तु दर्शनतावधिक एव मुख्यः, इष्टतिथ्यावधिकस्तु मासो गौणः, संक्रान्तावधिकेन कालेन सौरमासो मासज्ञैः कथ्यते। संक्रान्तिस्तु सूर्यमण्डलकेन्द्रस्य राश्यादिप्रदेशसञ्चरणकालः, द्वादशमीर्मासैर्वर्षम् यन्मानेन मासास्तन्मानेन वर्षम् वर्षेज्ञेयम्, तद्वर्षम् सौरमासस्यासन्नत्वात् सौरम् अहः अहोरात्रः दिव्यम् दिविभवम् सौरवर्ष देवानामहोरात्रमानम् मानतत्त्वज्ञैः कथ्यत इत्यर्थः। अभी ये क्या बता रहे हैं, अभी सुनिए। अभी ये जो बता रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि हमें जो दिव्य वर्ष है देवताओं का उसके बारे में मीमांसा करिए, चांद्रमास सौरमास के बारे में मीमांसा करिए, हम लोगों को बताइए इसके बारे में ये क्या है, निरूपण करिए इसका, मीमांसा नहीं निरूपण करिए। तो वो बोल रहे हैं कि तद्वत् त्रिंशता तिथिमिश चांद्रो मासस्तत्र दर्शांतावधिकः पूर्णिमांतावधिकस्य शास्त्रे मुखस्तस्य मुख्यतया प्रतिपादिता। तो शास्त्र ऐसा बता, मुख्य तरीके से बताते हैं, इनका कहना है शास्त्र जो है मुख्य तरीके से ऐसा बताते हैं कि चांद्र मास जो होता है वो क्या होता है कि 30 दिन का होता है, यानी कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से वो चालू होता है, तो वो तिथि के ऊपर चलता है,
तिथि के ऊपर, चंद्र की कला के ऊपर में चंद्रमास चलता है। तो तिथि क्या होती है? तिथि होती है जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। दूसरे इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। जैसे चंद्र बढ़ते 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 गया, पूर्णिमा का दिन फुल प्रकाश, फुल लाइट, इसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष, व्हाइटनेस। और दूसरा होता है चंद्रमा धीरे धीरे घटते 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 पूरा अंधेरा छाना, यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं होगा, अंधेरा छा जाएगा, इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये जो है तिथि के अनुसार 30 दिन का ये जो महीना बनता है इसको बोलते हैं चंद्रमास। ऐसा कौन बताता है? ऐसा शास्त्र बताता है। ऐसा कौन बता रहे? ऐसा काल पुरुष बता रहे। अत्र शास्त्रे तु दर्शनता वधिक एव मुख्यः। ऐसा शास्त्र का दर्शन मुख्यतया बताता है। इष्ट तिथ्या अधिकस्तु मासो गौणाः। अभी क्या है कि इसमें और एक चीज ऐड होती है इस चंद्र मास के अंदर में, वो होता है कि अधिक मास या फिर गौण मास। क्या होता है कि 365 दिनों को एडजस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक महीना बढ़ाया जाता है। तो हमारे सारे के सारे महीने जो है चंद्रमास के हिसाब से वो 30 दिन के होते हैं, 30 दिन के 12 महीने। लेकिन ऐसे करते करते एक बार ऐसा हो जाता है कि कुछ 30 दिन ऐड करने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं कि अधिक मास। ये ग्रेगरियन कैलेंडर में क्या है, ग्रेगरियन कैलेंडर में कोई महीना 31 दिन का है, कोई महीना 28 दिन का है, कोई महीना 30 दिन का है, कैसे भी करके एडजस्ट करके मार दिया है। ये ग्रेगरियन कैलेंडर है, इसको उठा के फेंक दो। ये जो कैलेंडर चल रहा है, ये जो कंप्यूटर के अंदर में जो कैलेंडर चल रहा है, जो टाइमिंग चल रही है, ये सब गलत है। और ये जो गलत टाइमिंग है इससे ही ये कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। इन्होंने वक्त को सही गणना नहीं किया है, ये इनका जो वक्त का गणना है वो एकदम गलत है। जो हमारा जो काल गणना है वो चंद्र और सूर्य के ऊपर है, जो कि एकदम सही है। तो इनको ग्रेगरियन कैलेंडर को फेंक देना पड़ेगा। इनके जो महीनों के नाम है, इन्होंने जो बनाए हुए जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है, ये सब फेंक देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी सोमवार मंगलवार का उल्लेख नहीं आ रहा है। ये वार का संकल्पना है, बात का संकल्पना है, यह अभी का है ही नहीं वार वगैरह। ये सिर्फ तिथि के ऊपर चलने वाला है, हमारा जितना भी कुछ है तिथि के ऊपर चलता है। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सोमवार, मंगलवार, ये अंग्रेजों ने लाया हुआ चीज है, ये इन बिटवीन आया हुआ चीज है। हम सब जो भी कुछ करते तिथि पे करते हैं। क्योंकि अगर 7 दिन का एक हफ्ता है, सोमवार से लेके शनिवार तक ही वार है, तो अगर हमारा चंद्रमास होगा तो उसके शुक्ल पक्ष में 15 दिन है, तो 14 दिन ही हम वार को दे सकते हैं, और पूर्णिमा का दिन कोई वार ही नहीं होगा। ऐसा कैसे चलेगा? इसका मतलब क्या है कि ये पुरानी काल गणना जो है ना, इसमें वार का सिस्टम ही नहीं था। वार का सिस्टम तो बाद में आया। चलो आगे चलते हैं। संक्रांत्या 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 वधिकेन कालेन सौरो मासो मासज्ञैः ही कथ्यते। संक्रांतिस्तु सूर्यमंडल केन्द्रस्य राश्यादि प्रदेश संचरण कालः द्वादश। हाँ ठीक है, तो ये क्या बोले, अभी सौरमास बता रहे भगवान। सौरमास क्या बता रहे कि सौरमास यानी एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक एक सौरमास होता है। एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक सौरमास होता है। हर महीने एक संक्रांति आती है, आपको मालूम नहीं होगा, आपने कभी पंचांग पढ़ा नहीं होगा, आपने कभी ज्योतिष के बारे में जाना नहीं होगा। तो हर महीने एक संक्रांति आती है। हमारे यहाँ पे भारत के अंदर में क्या है कि मैक्सिमम जो हम काल गणना करते हैं वो चंद्र के ऊपर करते हैं, चंद्रमास पे करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे सौर मास की काल गणना नहीं है। लेकिन जो उड़ीसा वाला जो भाग है, उड़ीसा वाला भाग, उड़ीसा, असम वगैरह, अभी तो जो कौल बंगाल और गौड़ बंगाल, ऐसे दो भाग है। बंगाल का जो पुराना असल नाम जो है, जो अपने साइड का बंगाल है, जो बंगाल जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं गौड़ बंगाल,
और जो बांग्लादेशी उसको बोलते कौल बंगाल, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, उसका संस्कृत नाम है पहले से गौड़ बंगाल और कौल बंगाल। इधर में सूर्य की पहले पूजा तपस्या होती थी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जो बड़े पुत्र थे सांबा या सांब, इनको एक बार एक रोग हुआ, तो उस रोग का औषध जो है वो औषध कौन देगा, इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उसके लिए इनको धन्वंतरी जी को बुलाया। तो धन्वंतरी जी ने बताया कि आपके यहाँ पे उड़ीसा में, उड़ीसा नहीं था तब वो, तो आपका उत्कल प्रदेश के अंदर में वहां पर कुछ ब्राह्मण हैं जो सौर ब्राह्मण हैं, वे सूर्य को मानने वाले, सूर्य को प्रधान, जो पंच देवता हम मानते हैं, पांच देवता मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य और माताजी, पंचदेव की पूजा करते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य और माताजी। तो सूर्य की पूजा करके जो आगे काम करने वाले जो ब्राह्मण थे, सूर्य प्रधान और बाकी के देवता गौण, ऐसा मान के जो काम करने वाले थे उनको बोलते सौर, सौर। जो देवी की पूजा करते उनको बोलते शाक्त, जो शिवजी की पूजा करते उनको बोलते शैव, जो विष्णु जी की पूजा करते विष्णु जी को प्रधान मानते उनको बोलते वैष्णव, और जो ब्रह्मा जी को प्रधान मानते उनको बोलते गाणपत्य, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपना खुद का समर्पण कर दिया गणपति जी में, गणेश जी में, इसलिए ब्रह्मा जी का अभी स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं, वो पूर्ण आनंद में स्वानंद में है वो अभी, इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व सिर्फ कुछ कारणों के लिए होता है, वो पूर्ण आनंद में सब मोक्षों के मोक्ष में है, वो अतिशय बढ़िया मोक्ष में है वो। तो वो जो है ऐसे सौर ब्राह्मण थे, तो सांब को जो रोग हुआ था उसकी उसके औषध के लिए उन्होंने इस सौर ब्राह्मणों को बुलवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये सौर ब्राह्मण जो कालगणना करते थे ना, वो भी सौर मास पे करते थे। तो भारत के अंदर में दो कालगणनाएं थी तब, भारत के एक भाग के अंदर में सौर मास गणना थी और दूसरे भाग के अंदर में चांद्र मास गणना थी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये पुराने से हमने सब चीजों को बचा के रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें खत्म होगी। इसलिए कोणार्क में सूर्य का मंदिर है बहुत बड़ा, क्योंकि वहां पे सब सौर्य सौर ब्राह्मण थे सारे के सारे, जो सूर्य को प्रधान देवता मानते थे, मुक्तिदाता मानते थे, मोक्षदायक मानते थे, सूर्य को, सूर्य भगवान की पूजा करते थे और बाकी देवों को गौण मानते थे। तो उन्होंने ये सांब को रोग से मुक्ति दिलवाई थी, उन्होंने औषध बनवा के दिया था, उसके साथ में कुछ विधि करवाए थे और जो रोग था सांब को उससे उसको मुक्ति दिया था। और सांब से ही, सांब अल से ही संभल है, अब आप समझो, मैं कुछ कुछ बीच में बताता हूं, फुसकी छोड़ देता हूं, आपको समझ में आए। सांब अल, अल इल जो है, ये अल और इल ये द को रिप्रेजेंट करता है, द श्री इसको रिप्रेजेंट करता है पुराने जमाने में। छोड़ो आप बोलोगे तो कुछ भी गधे जैसा बात करते हैं, वो भी समझाऊंगा आपको, अभी हम क्रिश्चियन पुस्तकों पे आए नहीं, जैसे कि अभी तो एक पुस्तक से निकले नहीं हम लोग, अभी हमने बुक ऑफ एनकी, बुक ऑफ एनलिल वगैरह सब देखना है, क्योंकि वही उनके पुराने बुक्स है। क्रिश्चियनिटी इस्लाम वगैरह होने से पहले अब्राहमिक रिलीजन के सबसे पुराने बुक्स में वो गिने जाते हैं, बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ डेड, ये जो है वो इम्पोर्टेंट बुक्स है। ये आगे के बुक्स है वो इसका एक्सट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट है, और आगे का भविष्य है, भविष्य को देखने का कोई मतलब नहीं है। चलो आगे जाते हैं इसमें, तो हम आप भूल जाते हैं बीच बीच में अगर मैं ये कर दूं तो, इसके बाद सौर मास चंद्रमास, तो सौर मास संक्रांति को चालू हो जाता है। संक्रांति को चालू होता है यानी कैसा कि चंद्र जो है हर रोज उसके अंदर में चंद्रमास में हर रोज एक राशि बदलती है। सौर मास के अंदर में क्या है, सूर्य एक राशि में एक राशि के सामने आ जाता है। सूर्य का जो कोर है, सेंटर ऑफ द सन, गोज इन फ्रंट ऑफ सम ऑफ द राशि,
there are 27 zodiac signs. Center of the sun, every month on 7 day, on 7th तिथि, 7वीं तिथि के ऊपर में, सप्तमी पे, किसी सप्तमी में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, किसी राशि के सामने, किसी zodiac sign के सामने जाता है, तो तब सोलह मास चालू हो जाता है। उसके अंदर तिथि से गणना नहीं, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 फिर ग्रेगरियन कैलेंडर चालू हो गया। अभी ग्रेगरियन कैलेंडर को अगर करेक्ट करना है तो सौर मास में करेक्ट करना है, क्योंकि वो सूर्य से भविष्य गिनते हैं, हम चंद्र से भविष्य को निकालते हैं, आप समझे क्या? अभी उनकी गलती क्या होगी, उन्होंने जो महीने को उल्टा सुलटा कर दिया ना, बेसिकली वो 30-30 दिन के महीने, उनको भी एक अधिक महीना ग्रेगरियन कैलेंडर में डालना पड़ेगा, तभी जाके सब सेटल हो जाएगा। 30 दिन का ही महीना करना पड़ेगा, फरवरी भी 30 दिन का करना पड़ेगा, मई महीना भी 30 दिन का ही करना पड़ेगा, उनको 31 निकालना पड़ेगा, 30 निकालना पड़ेगा, तभी उनका कैलेंडर ठीक हो जाएगा। वो सौर कैलेंडर है और वो सप्तमी के दिन चालू होना है, इसलिए उनके यहाँ पे 7वें दिन को बहुत इंपॉर्टेंस है, आप समझे क्या? आप अगर ज्यूइश को अगर सुनोगे, ज्यूइश लोगों को, तो ज्यूइश लोग बताएंगे 7 डे शबात, सैटरडे, ये जो भी कुछ है, सैटरडे तो वो वार जो है वो गलत चीज है, वो है नहीं, सैटरडे कुछ है नहीं, शबात यानी 7वां दिन जो है, 7वें दिन का इंपॉर्टेंस है उनके, 7वें दिन पे सौर मास चालू हो जाता है, उस दिन सूरज जो है उसकी जो कोर है अगली राशि के सामने आ जाती है, दैट इज शबात, दैट इज सैटरडे, दैट इज 7 डे, दैट इज संक्रांति। तो उनका संक्रांति से चालू होता है, उनका भी संक्रांति से ही चालू होता है, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं वही सही है। अब उनको समझाने जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि अभी हम मास्टर है, वी आर द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द रिचेस्ट पीपल्स एंड यू आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल्स, सो वी आर द मोस्ट एजुकेटेड। ऐसा नहीं है, वो मोस्ट करप्टेड पीपल्स हो गए हैं अभी, क्योंकि उन्होंने अपना कैलेंडर ही करप्ट कर दिया, उन्होंने अपना टाइम ही करप्ट कर दिया। चलो आगे जाते हैं, मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं उनको क्या बोल रहा हूं कि यू शुड चेंज योर कैलेंडर, यू शुड रेक्टिफाई योर कैलेंडर बाय सौर मास, देन ओनली योर कैलेंडर विल बी करेक्ट, देन ओनली योर शबात विल बी करेक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट बी। अभी मुझे थोड़ा इनका हिजरी कैलेंडर भी देखना है, मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर होता है, वो कहां से चालू होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, थोड़ा कोई मौलाना वोलाना पकड़ के मैं समझने वाला हूं उसको भी, फिर उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी इसके पीछे लगाऊं तो मैं सभी जगह से बाढ़ की खाल उड़ के निकालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये सब चल रहा है अभी। तो द्वादश मीर मासे वर्षम, तो ये क्या बोल रहे कि 12 मासों का एक महीना होता है, वो तो इट्स ओके, सौर मास में भी 12 मास का एक महीना होता है, चादर मास में भी 12 मास का एक महीना होता है। यन्मानेन मासा स्तन्मानेन वर्षद्नियम, उसको वर्ष बोला जाता है, 12 महीनों का एक वर्ष बोला जाता है, ठीक है। तद्वर्ष सौर मासस्य सन्नत्वात् सौरम, तो सौर मास में भी ऐसा ही होता है, अहह अहोरात्र, इस तरीके से अहोरात्र को गिना जाता है, यानी दिन रात पकड़ के एक मास को गिना जाता है, एक मास मास को गिनने के बाद में एक वर्ष को 12 महीनों का एक वर्ष हो जाता है, ये मनुष्यों का हो गया। दिव्यम दिवी भवम, यानी कि अभी देवता लोगों का वर्ष की बात चल रही है, सौर वर्ष देवानाम अहोरात्रम मानव तत्वज्ञ ही कथित इत्यर्थ, तो देवताओं का जो वर्ष है सौर वर्ष, देवताओं का सौर वर्ष है, देखिए सौर वर्ष है देवताओं का, चांद्र वर्ष नहीं, उनके यहाँ पे चांद है ही नहीं, देवताओं के और दानवों के इनके अंदर में चांद ही नहीं, उनके अंदर तो सौर वर्ष है, चांद सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है, जहां भी पृथ्वी होगी वहां पे, जहां पे मनुष्य वस्ती होगी वहां पे चंद्र होगा, तो सौर वर्ष जो है वो देवताओं का है, तो देवताओं का सौर वर्ष कितना है, मानवों का एक वर्ष उतना उनका एक दिन है, एक दिन और एक रात है, मानव का एक वर्ष उतना उनका एक दिन और एक रात है, तो देवताओं का यानी एक दिन यानी एक दिन एक रात, यानी मानव का एक दिन एक वर्ष एक रात, एक वर्ष दिन रात, ऐसा पकड़ के। तो उनको थोड़ी सी शंका आई मायासुर को, तो वो पूछ रहे
ननु देवानां यथा अहोरात्रमुक्तं तथा दैत्यानां अहोरात्रं कथं नोक्तमित्यतस्त उत्तरं वदन देवासुरयोर्वर्षमाः। हे भगवान, जिस तरीके से आपने देवताओं का तो बताया दिन कैसा है रात कैसी है, वैसे हमारा राक्षसों का भी बताइए ना दिन रात के बारे में। अभी वो तो ठहरा जड़ बुद्धि, उसने भगवान को तो प्रसन्न कर लिया है, लेकिन वो पूछ रहा है कि अभी वो दैत्यों के पूछ रहा है कि हमारा दैत्यों का दिन रात के बारे में बताओ। वो किस लिए पूछ रहा है, पागल नहीं है वो? हमारे लिए वो जो पुस्तक लिख रहा है, ये पुस्तक को लिख रहा है तो वो पूरा ज्ञान दे रहा है। ही इज वेरी जेन्यून पर्सन, जेन्यून डीमन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद इसलिए आस्क एन नंबर ऑफ फुलिश क्वेश्चंस किया है कि मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट आगे के डीमंस को, आगे के जन लोगों को, आगे के मानवों को पता चले। इसके लिए उन्होंने वो पूछा है फुलिश क्वेश्चन क्या राक्षसों का बताइए, क्योंकि खुद ही राक्षस है वो। ही शुड नो दिस। अभी थोड़ा इंग्लिश में पीछे का इसका बताता हूं। सो इन इंग्लिश आई एम टेलिंग अबाउट द मून मंथ एंड सन मंथ। देर आर टू कॉन्सेप्ट्स एज पर सूर्य सिद्धांत। देर आर टू कॉन्सेप्ट्स लाइक मून मंथ एंड वन इज अ सन मंथ। द मून मंथ स्टार्ट विथ 30 days। मून मंथ हैज टोटल 30 days। इट हैज टू सेक्शंस। वन इज 15 days, इट इज कॉल्ड एज शुक्ल पक्ष, एंड द सेकंड इज अ 15 days, इट इज कॉल्ड एज कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मीन्स व्हाइटनेस एंड कृष्ण पक्ष मीन्स ब्लैकनिंग ऑफ द मून। सो इट डिपेंड, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द मून्स एवरीडे। मून में राइज स्लोली बिट बाय बिट। सो एंड अप टू फुल मून, एंड इट विल डिक्रीज टू ब्लैकनेस अप टू नो मून। ओके, सो इन दैट केस इट इज काउंटेड ऑन मून्स अपीयरेंस। फुल मून, अप टू फुल मून 15 days आर काउंटेड, एंड अप टू ब्लैकनिंग, टोटल ब्लैकनिंग इट इज काउंटेड 15 days। सो इट इज टोटल 30 days। सो इन द 30 days ऑफ मून मंथ, सिमिलरली इट इज 30 days फॉर सन मंथ। नाउ हियर इट कम्स योर ग्रेगरियन कैलेंडर कंपेटेबिलिटी। योर ग्रेगरियन कैलेंडर यू हैव टू थ्रो इट इन टू गार्बेज, बिकॉज इट डज नॉट हैव समथिंग फिक्स्ड। सम मंथ्स आर 30 days, सम मंथ्स आर 31 days, सम मंथ्स आर हैविंग 28 days, लाइक फेब्रुवरी। सो दैट इज वाई इट इज नॉट अ करेक्ट, इट इज नॉट अ करेक्ट time calculation. That is why all your time calculation is getting wrong. So you have to throw that Gregorian calendar, or you have to update that Gregorian calendar. So how you can update? You can update according to Surya Siddhanta, because it is the oldest ever book on time counting. And the time counting, it claims that it has been told by sun itself. Sun has created a man to inform this information to Mayasur, who was the king of the Maya Empire in the last Satyuga. And Mayasur, he was a demon, and he has written this book for eternity, for humanity, for demonity, for any other kind of a person who wants to know something about time. He has asked n number of foolish questions. He himself was a very good learner. He himself did lot of penance for getting this knowledge. So you have to correct your Gregorian calendar. How you can correct this Gregorian calendar is the base of your Gregorian calendar and Jewish calendar is here itself. It is you are counting your time in your time is counted, or your horoscope is according to sun, okay, and our horoscope is according to moon. So in India we are calculating horoscope and time calculation by moon. Here it is giving all the both systems.
वन इज अ मून मंथ एंड वन इज अ सन मंथ. द सन मंथ स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, द सन मंथ स्टार्ट्स ऑन द सेवंथ डे, दैट इज शबात. यू मे बी नोइंग दैट इज शबात. सेवंथ डे दैट इज शबात. द सन मंथ स्टार्ट्स ऑन सेवंथ डे. ऑन विच सेवंथ डे इन एवरी मंथ सन चेंजेस इट्स झोडियाक साइन. इन एवरी मंथ सन चेंजेस इट्स झोडियाक साइन. इफ इट इज इन पाइसिस नेक्स्ट मंथ इट विल बी समवेयर एल्स. व्हेन इट चेंजेस टू दैट झोडियाक साइन, द टाइम इज काउंटेड फ्रॉम दैट डे टू 30 डेज. सो देर इज अ गैप और लैक ऑफ 30 डेज रिमेन्स आफ्टर 12 मंथ्स. टू एडजस्ट दैट गैप ऑफ 12 मंथ्स means every month in this sun calendar is 30 days, and after some day, some years, there is a gap of 30 days. To reconcile that gap, they add one extra month of 30 days which does not have any name, and that month suffices all the 365 days. So there is no 28 day month, there is no 31 day month in your old Gregorian calendar. Now you are using a wrong calendar. That is what I think, I feel, and you have to rectify your calendar according to sun's horoscope. So your calendar will be perfect calendar, and your time calculation second minutes is also wrong. It is not on your time taken by normal animal to breathe and live the breath. So you have to do lot of research on this topic, Gregorian calendar, rectification of Gregorian calendar. Then only you can calculate the real correct time. This is my request to you. Your month should start on Shabbat, 7th moon day. Shabbat, 7th moon day. And your month, 7th moon day, or when the sun goes to next zodiac sign, your month should start. And your month should end after 30 days when sun moves to another zodiac sign. Because sun travels. Sun does not travel, but it looks like sun travels every 30 days in another zodiac sign. Okay, I think you will learn it. It is a great learning by reading this book. So he is asking, how much is the time taken, how much is the godly year, and how much is the demonly year? How much is the godly day, and how much is the godly demonly day? So the time man is telling, तो ये पूछ रहा है कि देवताओं का और राक्षसों का दिन कितना बड़ा होता है, और देवताओं का और राक्षसों का साल कितना बड़ा होता है. एक शंका है मुझे आई हुई, तो इसका आप निरसन करिए. तो वो बता रहे, सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्र विपर्ययात यच्छष्ठी षड्गुण दिव्यम वर्षम असुरमे वच देवदैत्यानाम बहुत्व बहुवचनम अन्योन्य परस्परम. तो ये क्या बता रहे हैं कि सुर और असुर, देव और दानव, देव और दैत्य, इनका जो अहोरात्र है ये एक जैसा ही होता है. सिर्फ इसमें एक ही फर्क होता है कि जो इनका जो इसका इसके अंदर में जब देवताओं का दिन होता है तो राक्षसों का रात होता है, और जब राक्षसों की रात होती है तो देवताओं का दिन होता है. तो उतना ही वैसा ही उनका रात के हिसाब से भी होता है. उनका उल्टा उल्टा सुल्टा ऐसा होता है कि जब देवताओं का दिन होता है तो राक्षसों की रात होती है, और राक्षसों का दिन होता है तो देवताओं की रात होती है.
और 360 दिन जो है देवताओं के और राक्षसों के, उतना उनका एक साल होता है 360 का, हमारा 365 का है, उनका 360 का है। उनके यहाँ पे चंद्र है नहीं, उनके यहाँ पे चंद्र नहीं, उनके यहाँ पे सिर्फ सूर्य है, इसलिए उनका जो काउंटिंग है वो सूर्य से है, देवताओं का और राक्षसों का, सूर्य के ऊपर पूरा काउंटिंग है, साल का, दिन का, महीने का, जो भी है। उनका हर महीना 30 दिन का होता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि देवता और असुर, इनका जो एक दिव्य दिन है वो कितना है, जितना देवताओं का दिन है उतना ही राक्षसों का दिन है, लेकिन उनका उल्टा है, जब ये दिन में होते तो वो रात में होते। तो देवताओं का जो दिन है वो मनुष्यों का एक साल है, दिन दिन रात यानी एक साल है मनुष्यों का, और राक्षसों का भी एक दिन है यानी मनुष्यों का दिन रात है। तो वो सपोज अगर एरिया सेक्टर 51 या सेक्टर 54 ऐसा कोई बोलते कि वहां पे एलियंस है, अगर वो राक्षस है या देवता है तो एक साल तक वो अकेला काम करेगा, एक साल तक अकेला काम करेगा, उसको नींद नहीं आएगी, एक साल काम करता रहेगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, जो भी करना है करेगा, लेकिन एक साल कॉन्स्टेंटली काम करेगा वो, और एक साल सोएगा। तो अगर काम करना है तो अगर वो देवता है तो उनके पास दो होने चाहिए हमेशा, एक देवता होना चाहिए, एक राक्षस होना चाहिए। तो जब देवता सोएगा तो राक्षस काम करेगा, और राक्षस सोएगा तो देवता काम करेगा। अभी आपको आप समझ रहे तो समझो, अगर ये सच होगा तो, सच नहीं होगा तो मुझे मालूम नहीं क्या है। तो एक सोएगा तो एक को जगेगा, एक जगेगा तो एक सोएगा, क्योंकि उनका उल्टा सुलटा है ना, एक का दिन होगा तो एक की रात होगी, और अपना एक साल जितना उनका एक दिन होगा और एक साल जितनी उनकी रात होगी, तो एक एक साल वो सोएगा। तो रावण जो था वो 6-6 महीना सोता था बोलते है ना, तो सही है ना। तो 6 महीना यानी मुझे तो लगता है कि वहां पे कुछ अलग था क्या, यानी सत्ययुग से कम हो गया, वो 6 महीना सो रहा है, यानी देवताओं का जो दिन है, दिनमान है, वो कम ज्यादा हो गया वहां पे। यानी राम जी कब थे, त्रेता में थे, ये सत्ययुग की बात चल रही है। सत्ययुग में मनुष्यों का एक साल जितना वो सोता था, मनुष्यों के एक साल जितना वो सोता था, यानी अभी तो वो अपना पाव साल जितना सोता होगा, यानी 4 महीने सोता होगा, 4 महीने जगता होगा, अगर देवता या राक्षस होगा वहां पे, तो हमको मालूम नहीं है, अब तो जस्ट बोल रहे जो कॉन्स्पिरेसी उसके ऊपर से अंदाजा लेके बोल रहे, सच झूठ तो बात की बात है। तो ये अभी बता रहे कि देवदैत्य नाम बहुत्वाद बहुवचन, देवदैत्य ऐसा करके हम बहुत्व बहुवचन लिख दिया है, अन्योन्य परस्परम, एक दूसरे का अन्योन्य है, एक का रात होगा एक का दिन होगा, विपर्यात विपर्यात व्यत्यासात अहोरात्रम, यानी कि विपर्यात व्यत्यासात में अहोरात्र है, यानी एक का दिन होगा एक की रात होगी, ऐसा अयम अर्थ, इस तरीके का अर्थ है। देवानाम यद्दिनं तदसुराणाम रात्रि, देवानाम जब दिन होगा तब असुरों की रात्र होगी, देवानाम या रात्रि तद असुराणाम दिनम, जब देवताओं की रात्र होगी तो असुरों का दिन होगा, दैत्यानाम यद्दिनं तद देवानाम रात्रि, दैत्यों का जब दिन होगा तब असुरों की रात्र होगी, दैत्यानाम या रात्रि देवानाम दिनम इति, दैत्यों का जब रात्रि होगा तो देवताओं का दिन होगा, यथा च देवदैत्य योनि योनि योर देवदैत्य योर्दीन रात्रोरेव व्यत्यासाद भेदो न माननेति, तयोर अहोरात्र क्या देवा अहोरात्र मान कथने नैव दैत्य अहोरात्र मान मान मुक्तमिति भावः। तो इस तरीके से देवदैत्य का दिन रात्रि व्यत्यासाद भेदान माननेति, इस तरीके का भेद आपको मानना पड़ेगा, मान नहीं सकते। तयोर अहोरात्र क्या देवा अहोरात्र मान कथने नैव, तो इस तरीके का इनका अहोरात्र का जो है वो कथन है, दैत्य अहोरात्र मान मुक्तम इति भावा, इस तरीके का दैत्यों का भी अहोरात्र का भाव है। युग कथनार्थ दिव्य वर्ष परिभाषया सुगममपि विशेष द्योतनार्थ प्रकारांतरेणः तच्छष्टिरिति। तो युग कथनार्थ, युग कथन करने के लिए दिव्य वर्ष की परिभाषा कर रहे हैं अभी।
दिव्य अवरात्र षष्ठी ही, दिव्य अवरात्र षष्ठी ही देवल तु रूपा वर्ष वर्षतुर्भि षष्ठी गुणिता दिव्य मासुरम दैत्य संबंधी चह समुच्चये तेन द्वयोरित्यर्थ वर्षम। तो अभी ये क्या बता रहे कि इनका 360 दिव्य अहोरात्र से देव असुर का एक वर्ष बनता है, ये इसका मतित अर्थ है। 360 दिन है इनके, 360 यानी अपनी जो एक एक अपना जो एक साल है उतना इनका एक दिन रात है, वैसे 360 हो जाने के बाद में इनका एक साल बीत जाएगा, इनका एक साल बीत जाएगा। वैसा देवों का भी है और दैत्यों का भी है, ये उल्टा सुलटा, क्योंकि देव ऊपर रहते हैं स्वर्ग में, दैत्य नीचे रहते हैं पाताल में, नीचे नीचे रहते हैं। तो इनका सूर्य एक ही है, वो ऊपर से नीचे घूमता है, यानी सूर्य घूमता है नहीं घूमता है, उनके यहाँ पे सूर्य घूमता है, उनके यहाँ पे सूर्य घूमता है, हमारे यहाँ पे पृथ्वी घूमती है सूर्य के आगे पीछे, उनके यहाँ पे सूर्य घूमता है। इसलिए अगर आप पुराणों को अगर पढ़ेंगे ना, वो क्या है, देवों ने दैत्यों ने लिखे, तो वो क्या बोलते कि पृथ्वी चपटी है, उनकी चीज चपटी है, वो जहां रहते हैं वो चपटी है, क्योंकि स्वर्ग का जो वर्णन है वो स्क्वायर है, स्वर्ग हमेशा चौरस है, आयत है, स्वर्ग हमेशा आयत है, वैसे ही पाताल जो नरक जो है वो सब आयत है, उनका योजन भी दिया है, वो सारा जो वृत्तांत है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, किसके अंदर में, अपना गरुड़ पुराण के अंदर में आपको मिलेगा, स्वर्ग और इसका स्वर्ग का जो वर्णन है चौरस है, इसके अंदर में इतना योजन ये है, इतना योजन वो है, वो चौरस है, और उधर में क्या है कि सूर्य जो है वो सूर्य घूमता है, ऐसा है, सूर्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पूर्व से पश्चिम जाता है, पश्चिम से पूर्व आता है उनके यहाँ पे, और हमारी पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है, यानी कि हमारा जो प्लेन है ना, उनका प्लेन ऐसा है ऊपर से नीचे, उनका प्लेन ऊपर से नीचे, हमारा प्लेन ऐसा है, 90 डिग्री, वी आर 90 डिग्री, पृथ्वी जो है 90 डिग्री है एक जगह पे, और जो स्वर्ग और पाताल जो है, हेवंस एंड हेल्स ऑल आर 90 डिग्री टू अस। तो अगर आप ऊपर जाने, ऊपर जाके सोचने चाहते हो ना कि ऊपर जाके मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, आप ऐसा जाओगे ना, इफ यू विल गो फ्लैट ऑन अर्थ यू विल नॉट गेट एनीथिंग, इफ यू विल गो अप, इफ यू विल गो डाउन यू विल गेट समथिंग, बट इफ यू विल गो फ्लैट ऑन अर्थ यू विल नॉट गेट फ्लैट अर्थ। सो ये फ्लैट अर्थ का कंसेप्ट अपना नहीं है, ये देव और दानव, गॉड्स एंड डीमन, देयर प्लैनेट्स आर फ्लैट, नॉट अवर प्लैनेट्स, नॉट अवर प्लैनेट, देयर प्लैनेट्स आर फ्लैट, दिस इट इज शोइंग। ओके, अभी जो है कि इनका जो 360 दिन का अहोरात्र है, इसमें इनका एक साल होता है, तो 360 मल्टीप्लाइड बाय अपना एक साल, यानी अपना एक साल यानी इनका एक दिन है, 360 दिन का एक साल है, तो 360 मल्टीप्लाइड बाय इनका एक दिन में अपना एक साल हुआ ना, तो 360 साल हुए, 360 साल का इनका अपने जब 360 साल होंगे तब इनका 360 दिन होगा, ऐसा है। तो आगे का पढ़ते हैं, अथ कल्पमान विवक्षु प्रथमं युगमान अन्यदपि श्लोकाज्यामाह। अभी कल्पमान के बारे में बताए बोलते हैं, अभी थोड़ा इंग्लिश में बताओ, आई विल टेल समथिंग इनटू इंग्लिश, यू नो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, दीज आर क्रिएटिंग सम लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, द फ्लैट अर्थ, द वन इज अ फ्लैट अर्थ, द सेकंड वन इज द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दीज आर द टू कॉन्स्पिरेसीज, व्हाई दीज आर टू कॉन्स्पिरेसीज एंड दीज आर फुलिशनेस, because we have scientifically we have proven that earth is revolving around the sun, but as we read this, Mayasur, he is a demon, he is not a man, he is not a human, he is a demon, and opposite to demon is God. So what they are telling here is
इन ऑन अर्थ देयर इज मून एंड देयर इज सन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम काउंटिंग. वन इज अ टाइम काउंटिंग बाय सन एंड वन इज अ टाइम काउंटिंग बाय मून ऑन अर्थ. दिस टू सिस्टम्स आर रनिंग. बट इन केस ऑफ डीमंस, डीमंस लिव इन बॉटम बॉटम एरियाज. बॉटम एरियाज मीन्स बिलो अर्थ. बिलो अर्थ पीपल्स आर डीमंस. सो एंड अबव अर्थ आर गॉड्स. देर आर सेवन हेवन सेवन हेल्स दैट वी हैव रेड इन मेनी बुक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स. इवन इन हिंदू सम ऑफ द टेक्स्ट दे टेल अबाउट दिस. सो देर आर सेवन हेवन सेवन हेल्स. अबव पीपल्स आर कॉल्ड एज गॉड्स. द बिलो पीपल्स आर कॉल्ड एज डीमंस. दे आर नॉट ह्यूमन. देयर लाइफ इज मोर देन अस. एंड वेन देयर चाइल्ड इज बॉर्न, देयर चाइल्ड इज हैविंग इनबिल्ट मेमोरी मोर देन अवर ह्यूमन कंप्लीट ग्रोन ह्यूमन बींग. दे हैव कंप्लीट मेमोरी एंड दे लुक लाइक अ सेवन ईयर ओल्ड चाइल्ड. सेवन ईयर ओल्ड ह्यूमन चाइल्ड वेन दे आर बॉर्न. दिस इज देयर स्पेशलिटी. सेकेंड थिंग इज दैट वेन why I am telling this, this verse is telling all these things. It is making your doubts clear. In case of demon Mayasur, he is asking, in case of gods, there is a sun calendar. Gods does not have moon calendar. So what is in case of demons? So the Lord incarnated, Lord Sun incarnated man, that is a time person, he is telling that same is the case for the demons. Means there is no moon in case of demons and in case of gods. The seven heavens, there is no moon. In seven hells, there is no moon. Only one sun is traveling. That sun is traveling from God's area to demons area, from top to bottom. That sun is traveling. So this sun is traveling to give them light. So when this sun is, it is just like in India, when I am in India, the sun, when there is a day here, in USA there is a night. Same way, when there is a day in God's area, there is a night in demons area. When there is a night in God's area, there is a day in demons area. This is similar. And in case of Garuda Purana, Garuda Purana speaks a lot of things about heavens and hells. It tells that heavens are flat. So same is the case with the hell. Hells may be flat. We can consider this. So flat earth theory has came from them, because all these books are given by, most of the books are given by gods and demons on this earth. The humans does not have created anything. All these things are given by gods and demons. So that is why all these books are telling that flat earth. This is not a flat earth. That flat earth is their earth. Their heavens are flat. Even Garuda Purana tells the total carpet area of one heaven, second heaven, third heaven, fourth heaven, seventh heaven, etc. How much square kilometers it is, that heaven is, and what are the things there on that heaven. So you have to correct your Gregorian calendar first with sun calendar. It should start with Shabbat, seventh day, and that seventh day should be the day when sun comes in front of new zodiac sign every month. And it should end on when it changes its position to another zodiac sign. So this can be your revelation. You have to think on this, because your time counting is totally wrong. Your Gregorian calendar is useless calendar. You have adjusted it, but it is not correct. This is what I think. This is my feeling
यू हैव टू रिसर्च ऑन दिस अकॉर्डिंग टू दिस बुक सूर्य सिद्धांत. सो लेट अस गो अहेड, लेट अस सी अहेड. तद्वादश सहस्राणि चतुर्युगम उदाहृतम सूर्याब्द संख्यया द्वित्री सागर आयुता हतैः संध्या संध्यांश सहितं विज्ञेय तच्चतुर्युगं कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया. नाउ आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम हियर. आई विल आस्क समबडी हु इज हैविंग बेस्ट नॉलेज ऑफ संस्कृत. द्वित्री सागर अयुता हते ये शब्द के बारे में मुझे बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं कल किसी अच्छे जानकार संस्कृत के यहाँ पर है शंकराचार्य आश्रम में, उनके पास से इसके बारे में विचार विमर्श करके इसके बारे में बताऊंगा. तो ये आज का सेशन है. एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो डिलीट हो गया मुझसे गलती से, इसलिए वापस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. इसलिए मैं आज का जो ये वीडियो है 9 सितंबर का, मैं कल 10 सितंबर को 10 सितंबर के साथ में ही लोड कर रहा हूँ. तो आप दोनों वीडियो को शांति से देख लीजिएगा. और यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आप मुझे सब्सक्राइब करो भी मत करो, घंटी बजाओ नहीं बजाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन आपने पुस्तकों को समझो तो सही भैया. कितना सारा ज्ञान है, कितना सारा ज्ञान है, कितनी सारी मेहनत है. ये राक्षसों ने कितना सारा ज्ञान जमा किया था. अब ये ज्ञान जो है अगर आप पढ़ोगे नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, तो आप खड्डे में ही जाओगे. बड़े बुजुर्ग जो कहते थे वो सब सही था. मैं किसी को गलत दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं. अगर आपका समय ही गलत हो गया, अगर आपका टाइम चूक गया, आपकी ट्रेन छूट गई, तो दोबारा ट्रेन मिलने में बहुत तकलीफ होगी भाई. तो पहले आपका समय, आपकी घड़ी को तो बराबर कर लो, ग्रेगरियन कैलेंडर को ठीक करा लो. हिजरी का जो अगर है वो क्या उनके भाव से लगा है क्या है, मैं किसी मौलाना को पकड़ के उसको भी समझ लूंगा हिजरी कैलेंडर के बारे में. यहाँ पे एक और मौलाना अगर उस जानकार होगा तो उससे भी समझ लूंगा हिजरी का काउंटिंग कैसा है, 30 दिन का है ये. लेकिन वो भी चांद के ऊपर ही है, इसलिए वो चांद्रमासी है. जो इंडियन कैलेंडर है उससे कितना मिलता जुलता है, उसमें क्या फर्क है, वो भी समझ लूंगा. लेकिन जो सौर कैलेंडर है वो जो है वो ग्रेगरियन कैलेंडर है, उसको उनको खुद ही ठीक करना पड़ेगा. क्योंकि जो हिब्रू के अंदर में जो महीना चालू हो जाता है ज्यूइश मंथ, इट स्टार्ट्स विद शबात. आई थिंक आई एम नॉट अ ज्यूइश पर्सन, बट आई एम लर्निंग देम ऑल्सो. इफ इट इज ट्रू, इफ इट स्टार्ट्स विद शबात, देन यू हैव टू चेंज योर ग्रेगरियन कैलेंडर टू विद शबात. बट शबात हैज टू बी रिसर्च्ड. द शबात, व्हाट शबात शुड बी, दैट इज बीन टोल्ड दैट व्हेन सन मूव्स फ्रॉम वन जोडियक साइन टू अनदर जोडियक साइन, इट ऑलवेज हैपन्स ऑन सेवंथ मून डे, दैट इज द सेवंथ डे ऑफ द शबात. सो व्हाट हैपन्स, सन्स टाइमिंग इज फॉर गॉड्स एंड डीमंस. This calendar is used by gods and demons. Sun timing, because they do not have any moon available on their planets or on their heavens and hells or their areas. So that is why they do not count on moon basis. But in Earth there is a moon. On every other planet there is a moon, and it is 90 degree in angle. God's arena is 90 degree and our arena is 90 degree like this. Our earth is below and it is revolving around the sun, and the sun is revolving around their earth. So that is why they are in the holy books they are telling that sun revolves around the earth. That is why the earlier churches also give some fatwa to kill some scientists that earth is revolving around, sun is revolving around the earth.
So this is the problem. This problem I highlighted where the real thing is given. This is the real thing. This demon worked too hard, did such a penis to get knowledge from the God. God Son, he was worshipping Son. So he got this knowledge. And this is the real knowledge. And this is the real Maya calendar, he is explaining. What you have understood is totally wrong about the Maya civilization. It was a very rich civilization. Very mysterious civilization. They have achieved too many things. We are not we do not have achieved anything like them till date. So I am closing this chapter today. I am submitting to one and only Lord, Avyakta Vyakta, Ganadipati Ganesh, Maha Ganesh. ये शिव परिवार को, विष्णु परिवार को, सबको समर्पित कर रहा हूँ. और आज का ये सेशन जो है, ये 9 तारीख का है, ये कल लोड होगा 10 तारीख को, और 10 तारीख का भी उसके साथ ही लोड होगा, क्योंकि आज का मैं डिलीट कर दिया था, और मुझे बाहर से लोड करना पड़ता है, स्पीड नहीं मिलता मुझे इंटरनेट का. तो आज का आया नहीं, इसलिए जो भी पढ़ते हैं वो क्षमा करें, और अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें और घंटी बजाए. Hit the bell icon if you want. Maybe that will give me some money so that I can have high speed internet. Thanks a lot. Dhanyavad, namaskar, shubha ratri.